सुन हनुमाना पुरुष जुगल बलि रूपी निधान। हे तात हनुमान, तुम देख रहे हो सामने से तो वीर पुरुष हमारी ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये हमें समाप्त करने के लिए आ रहे हो या बाली के भेजे हुए वो गुप्तचर हो, इसलिए तुम जाओ पता लगाओ कि आखिर ये दोनों है कौन। हे हनुमान जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते हैं। अरे दोनों तपसी तेजस्वी ये नरसिंह रूप दिखलाते हैं, क्योंकि मदंग ऋषि के श्राप वश बाली ना यहाँ आ सकता है। मैं जब तक इस जग में जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। हो सकता है उसके हो गुप्तचर, हो सकता है उसके हो गुप्तचर जो खुद से छुपाए छुपते हो। अरे छल से बल से कौशल से बद करने मेरा आते हो, इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। तो यदि हो मेरा ख्याल सही तो बांडी सारा देना, तो पता लगाओ कि आखिर ये दोनों है कौन। अवश्य महाराज, महाराज महाराज आप चिंता न करो, मैं भेष बदल के जाता हूं। ये दोनों कौन कहां के हैं सब पता ठिकाना लाता हूं। मलमेला नाम के दूत हुए तो वहीं पर मार गिराऊंगा, हुए अन्यथा और कोई तो तुमसे आन मिलाऊंगा। जाओ और पता लगाओ। जय स्वामी कवन है स्वामी। हे प्रभो कौन हो आप, धनुष वाण कांधे में है क्षत्रिय जैसा भेष है, इस वन में क्यों विचरण कर रहे हो? क्योंकि यहाँ की पृथ्वी बहुत ही कठोर है और आपके चरण बड़े ही कोमल है नाथ। कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम सो, ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन तीन देव में से हो, नर या नारायण हो। जग तारण जग कारण तारण भव भंजन धरणी भा तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ऐसा लगता ही इस पृथ्वी का कष्ट हटाने के लिए भार उठाने के लिए ऐसा लगता ही उस नारायण ने मनुज रूप में कहीं अवतरित तो नहीं हो गए। ऊंचे पहाड़ ऊंचे पहाड़ कांटों की झाड़, हे बालू भया दुष्टर भगवान, अरे ऐसे बेड़ भी रहने में क्यों आन पड़े भगवान। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है,
मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है, रूपों पर है कोई दैविक शक्ति जो झलक रही है, आंखों पर है मानव शरीर के नाते से, है मानव शरीर के नाते से इतना तुम्हें पूछते हैं। देखा है पहले कहीं कुछ सोचते हैं कुछ भूलते हैं, है आप पतित, है आप पतित, है राई है आप पतित और हमराई, तो अच्छी ही कट जाएगी, अरे अच्छा परिचय होगा तो मंजिल यो ही कट जाएगी। कहिए नाथ आप कौन हो, इस पृथ्वी पर किस कारण से विचरण कर रहे हो? हंसी बोले रघुबर सिंह कुमारा, विधाता ने जो लिख रखा है भला उसे मिटाने वाला कौन हो सकता है? कौशलेश आपने हमारा परिचय जानना चाहा, हम अपना परिचय अवश्य ही देंगे जी प्रभु, पर परिचय देने से पहले जिस समय आपके वेश परियोस की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हृदय में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही है। हम भी तो इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहां के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहां के हैं ना वहां के। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा है, पग पग में रंग बदलता है, है सन्यासी है, ऐसे ही हम राजा होकर दंडक वन में बनवासी है, ऐसे ही हम राजा होकर दंडक वन में बनवासी है। देता विदेश में ठीक पता अपना न किसी का कोई है, जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। आपने हमारा परिचय जानना चाहा तो हम अपना परिचय अवश्य ही बताएंगे, श्रवण करें। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बनवाए, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, उनके वचनों को मानकर इस वन में आए हुए हैं। नाम 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 राम लक्ष्मण दुभाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम और लक्ष्मण, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ में हमारी सुकुमारी नारी भी थी। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कोई नहीं, आपको बता दें यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरहि खोजत हम तेहि, यहाँ किसी पापी पाखंडी के द्वारा
जानकी का हरण हो गया है, बस अपनी सीता को खोज रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। अपनी सीता को खोज रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, हम निर्धन का कौन सहाय। पर ब्राह्मण देव आपन चरित कहा हम गाई, कहू विप्र निज कथा बुझाई। आप भी अपनी कथा समझा करके कहें। प्रभु पहचाने प्रयोग ही चरिणा, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। मोर न्याय में पूछा साई, तुम कस पूछो डर की नाई, तुम कस पूछो डर की नाई, तुम कस पूछो। ही प्रभु अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, एक साधारण प्राणी की तरह पूछ रहे। मैं तो फिर भी जाति से बानर हूं प्रभु। तबे माया बस फिरा भुलाना, ताते नाथ ना मैं पहचाना। हे प्रभु आपकी माया ने सब कुछ भुला दिया, इसलिए प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पूरी प्रभु मोहिना बिसारियो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु एक तो मैं मति का मंद, कुटिल मेरा हृदय, तीसरे वानर मेरी जाति, प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया। लेकिन राघव मुझे मत विसारना, आपके चरणों में त्रायमाम है, त्रायमाम है। पृथ्वी का भार उठाने को, पृथ्वी का कल्याण उठाने को ये नारायण ने अवतार लिया, रुद्र अवतार बजरंगी ने परसोत्तम को पहचान लिया। कि प्रभु मुझे मत बुलाना, प्रभु मैं आपके प्रायमाम करता। सुन कपजिए मानस जन योना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो, हृदय में प्लान मत समझो। समदर्शी मोहिका सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो, या सारा संसार मुझे समदर्शी कहता है, लेकिन सेवक मुझे अत्यधिक प्रिय है। सो अनन्य जाके अस मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक और मेरे प्रभु इस सारे संसार के ईश्वर। सकल कथा समझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर बानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं, वहां जाकर के मित्रता कीजिए, शायद मातेश्वरी का पता वहीं से चल जाए। ठीक है चल। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुन, विनती बारंबार पवन सुन, विनती बारंबार। सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जनमो धन कर लेखा, धन कर ले धन कर। था हनुमान ने कहा था, बिना भगवान के मैं किसी को अपने कंधे पर नहीं बैठाऊंगा। मैं आज धन्य हो गया उनके दर्शन करके, लेकिन फिर भी परिचय पूछना चाहिए। हे तात हनुमान, ये दोनों कौन है जो कि तुम स्वयं
कंधे पर बिठा करके लाए। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा सुना है, पावक साक्षी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ा। ये ताता पूछ रही ये कौन है? ये प्रभु श्री राम है, उनके छोटे भाई लक्ष्मण है, चक्र चूड़ामणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं पंचवटी से। इनकी भार्या का किसी ने हरण कर लिया है, उसी की खोज नाम ये आए हैं। आप अग्नि को साक्षी करके आप इनसे मित्रता कीजिए कपिराज। हे तात, ऐसा ही होगा। अग्निदेव, हे तात हनुमान, प्रभु श्री राम का कितना भी कठिन से कठिन कार्य होगा, हम तल मन और बल से करेंगे। इसमें अगर कोई छल कपट हो तो अग्निदेव साक्षी। बोलो सुखदेव महाराज की। हम ही प्रभु आज आप सभी के मध्य पावक को साक्षी मानते हैं और आपसे मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं। आपको वचन देते हैं कि आपके सभी सुखों एवं दुखों में बराबर हाथ बटाएंगे। तो स्वामी स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, इस सेवा में चाल लड़ा देंगे। उस सिया भावले सिया हरी हम उस दिया बुझा देंगे, बलिदान सुखों का कर देंगे, माता का पता लगाने में जीवन सारा कुर्बान करूं, पृथ्वी का भार हटाने में। बोल राम चंद्र भगवान की। बोलिए प्रभु श्री राम चंद्र की। कह सुग्रीव, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिले कुमार। हे नाथ, आप किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ जानकी जी का पता अवश्य लगेगा। मंत्री ने सहित यहाँ एक बार प्रभु, एक बार मंत्रियों के सहित मैं इसी जगह पर बैठकर कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। एक समय मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। था रथ की सकल विमान एक, उसमें कुछ आहो जारी थी, निश्चर के बस में पढ़ी हुई शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल जो ज्वाला बरसाते जाते थे, एक ओर पिघलते हुए नैन वो नीर बहाते जाते थे। वह दृश्य वह नजारा मैं नहीं भूल जाने वाला। श्री राम राम कहते कहते एक भूषण इधर फेंक डाला, इस तरह से नजरों के सामने से निकल यहाँ से छोड़ गया। रह गए यहाँ पर नूपुर कुंडल रथ दक्षिण की ओर गया। अगर प्रभु आपकी आज्ञा हो तो नूपुर कुंडलों को मंगाया जाए। हाँ हाँ, आप सीख मंगाया जाए। हनुमान लेकर के मांगा राम तुरंत सुई दीना, पट उर लाए सोच अति की। ये तो जानकी के ही आभूषण हैं।